गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश की वर्कशीट में करेंगे कुछ डिक्टेशन वर्ड्स आपको करने हैं जिनकी आपको स्पेलिंग्स याद करनी है और यहाँ पे तीन तीन बार लिखनी है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। CARPENTER कारपेंटर। कारपेंटर मतलब क्या होता है? जो लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई जिसको बोलते हैं। तो आप याद करके तीन टाइम यहाँ पे लिखेंगे। SUDDENLY सडनली। सडनली मतलब क्या होता है? अचानक से। VALLEY वैली। वैली क्या होती है? घाटी, जो बड़ी बड़ी बहुत गहरी जो घाटियाँ होती हैं पहाड़ों वगैरह पे होती हैं। MOSQUITOES मॉस्कीटोज, मच्छर। मतलब ये स्पेलिंग्स कुछ ऐसी हैं जिनमें बच्चे जिनको याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इनको ध्यान से याद कीजिए। AEROPLANE एरोप्लेन, हवाई जहाज। अगर आप एक लेटर भी आगे पीछे कर देंगे कोई भी, तो आपका पूरी स्पेलिंग गलत हो जाती है। ASSOCIATION एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? कोई भी संस्था, संगठन। INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी। NEIGHBOUR नेबर। नेबर मीन्स क्या होता है? पड़ोसी। COMPETITION कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता। PARTICIPATE पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा लेना किसी भी प्रतियोगिता में। NECESSARY necessary। necessary means जरूरी, बहुत जरूरी। ACCEPT accept मतलब स्वीकार करना। तो इन स्पेलिंग को आप अच्छे से याद करेंगे और यहाँ पे थ्री टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपको सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी है। आपकी तबीयत ख़राब है किसी भी तरह से, मान लीजिए फीवर है या पेट में दर्द है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो रीज़न सिक लीव ही होगा उसका। आप उसमें अलग से ऐड कर सकते हैं कि स्टोमक पेन है या फीवर है जो, या लेग में पेन है, जो भी है। सबसे पहले इधर टू, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं द प्रिंसिपल। ये आपको ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अध्ययन पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप अपने स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हैं। और ये एड्रेस। रिस्पेक्टेड मैम, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट मतलब मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जैसे यहाँ पे जो भी क्लास है आपकी थर्ड लिखा है, मान लीजिए आपकी सिक्स क्लास है, एट्थ क्लास है, जो भी क्लास है आपकी, आप यहाँ पे अपनी क्लास मेंशन करेंगे। माई नेम इज़, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसे आपको बुखार है तो फीवर, अगर आपको पेट में दर्द है तो स्टोमक पेन। सिंस नाइट, रात से मुझे बुखार है। सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। अगर आपको दो दिन की चाहिए तो टू डेज, जितने भी दिन की चाहिए उतने दिन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। थैंकिंग यू मतलब आपका शुक्रिया, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, अब ये ओबीडियंटली की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं हमेशा। ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई
obediently. Name, class, date. Next है define noun. Noun को आज हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं. Noun संज्ञा. Noun is the name of a person, place or thing. For example, Ram, Taj Mahal, chair, etc. ये सब आपको पता ही noun क्या होती है. आपको क्या करना है, इसमें से noun वाले word को underline करना है. Rohan is my brother. Yash watches television. The hen lays eggs. I went to Mumbai last month. The cat runs after the mouse. इसमें से आपको जो noun वाले word हैं उन पे ही आपको underline करना है. और ये आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पर्सन, प्लेस, थिंग, इनको हम नाउन कहते हैं. तो इसमें से आप देखिए इनमें से कौन सा है, अंडरलाइन करेंगे, आप खुद से करेंगे इसको. थैंक यू.